हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीसी टू एसी कन्वर्टर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यह पैनल जो आप देख रहे हैं, इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया हुआ है। अगर आपको भी यह पैनल चाहिए तो आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग आसानी से साइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा सर्किट। यहाँ पर हमारा बैटरी का कनेक्शन होगा माइनस और प्लस, और यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा 220 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसकी कनेक्शन करते हैं। और वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक पीवीसी एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए होगा, उसका बैक पैनल है ये। इसमें दोस्तों हम एक होल करेंगे, चार्जिंग यूएसबी का जो 5 वोल्ट हमें आउटपुट देगा, यहाँ से इस तरीके से यहाँ सेट होगा, सर्किट इसके अंदर फिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये हमारा फ्रंट पैनल है जिसमें हमारा पूरा कनेक्शन होगा और वायरिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें मार्किंग करना होगा, यूएसबी पिन का कितना साइज है उसका हम एक मार्कर से मार्क कर देंगे और उसमें होल करने के लिए हमें आसानी होगी। ठीक है, तो फटाफट करते हैं दोस्तों इसमें होल कुछ इस तरीके से। देखिए हमारा होल कम्प्लीट हो गया, यहाँ से हमारा यूएसबी डेटा केबल लगेगा। चलिए दोस्तों, अब बात आती है इसकी फ्रंट पैनल की। तो फ्रंट पैनल पर हमें एक एलईडी ग्लो करवानी पड़ेगी जो 3.5 वोल्ट की रहेगी, और एक रेजिस्टेंस लगेगा दोस्तों जो 1 किलो ओम का रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से इसकी कनेक्शन करते हैं फ्रंट पैनल पे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम सोल्डरिंग कर देंगे फ्रंट पैनल पे। अगर आप लोगों के पास सोल्डरिंग ना है तो आप लोग इसमें स्क्रू भी मार सकते हैं, और फटाफट से इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ इसकी एलईडी कनेक्शन भी कर देंगे, आप लोगों को लास्ट में मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमने वायरिंग इसमें किया हुआ है। साथ ही साथ ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी वायर आपस में टच ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए सावधानी से काम करें। ठीक है दोस्तों, और देखिए हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है कुछ इस तरीके से, आप भी इसी तरीके से सोल्डरिंग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें अभी सर्किट में वायरिंग करेंगे। तो सर्किट में वायरिंग करने के लिए हमें एक वायर यहाँ पे स्विच का जो टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पे देना पड़ेगा, और हमारा जो ग्राउंड होगा न्यूट्रल जिसे कहते हैं उसे यहाँ पर देना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी सर्किट में जो बात आती है, सर्किट में हमें आउटपुट यहाँ से मिलेंगी, तो आउटपुट के कनेक्शन यहाँ पर करने हैं दोनों इस तरीके से। ये हमारे आउटपुट के कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है, अब आती है बारी इसमें 12 वोल्ट इनपुट की। ठीक है, तो 12 वोल्ट इनपुट के लिए हमें दो वायर लगेंगे, एक रेड वायर ले लेते हैं और एक ब्लैक वायर। तो इन दोनों को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। ये हमारा ग्राउंड कनेक्शन है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग दोस्तों इस सर्किट को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट दोनों में चला सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर देते हैं दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हमने फटाफट से इसके कनेक्शन पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें दोस्तों मैं दो एलईडी ग्लो करवाने वाला हूं, जो 9 वाट की एक रहेगी, और यानी कि दोनों 9-9 वाट के हैं, और मोबाइल चार्जिंग या कुछ हल्का सा जो भी सामान आपके पास में कम लोड वाले उसको आप इसमें चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको इसको पहले डायरेक्ट लाइन पे चालू करके दिखा देता हूँ। ये हमारी डायरेक्ट सप्लाई है, तो यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कर रही है, तो इसको हम अपना इन्वर्टर पर चला करके दिखाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा इन्वर्टर सिस्टम, और इसमें हमने जो यूएसबी के लिए जो कनेक्शन किया था दोस्तों, उसमें भी हम एक मोबाइल चार्ज पर लगा देंगे छोटा मोटा सा, और एक बड़ा वाला हैवी वाला तो हम ऊपर से डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी लगेगी इसके लिए 12 वोल्ट की बैटरी। तो चलिए दोस्तों लाते हैं 12 वोल्ट की बैटरी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रही 12 वोल्ट की बैटरी हमारी, और इसमें आपको वोल्टेज शो करवा देते हैं। पॉजिटिव कनेक्शन ये है और नेगेटिव ये रहा, तो हमको ये 13.3 वोल्ट शो करवा रहा है। चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड है और रेड वाला हमारा पॉजिटिव। तो ये देखिए हमारा जियो का फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ईजिली वर्क कर रहा है दोस्तों। अब इसमें से जियो फोन को साइड में हटा के हम अभी दोनों एलईडी को ग्लो करवाएंगे। यह देखिए बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है, बहुत अच्छा ये परफॉर्म दे रहा है। आप इसमें 4 से 5 एलईडी आराम से इसमें जला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी इसमें हम 24 वोल्ट का भी सिस्टम आपको दिखा देते हैं। दो बैटरी आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा 24 वोल्ट का सिस्टम, 12 वोल्ट का एक बैटरी है, तो दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, और अभी इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि इसमें 24 वोल्ट चाहिए, ये 12 वोल्ट की बैटरी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमने ये 24 वोल्ट के जो सिस्टम आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है, ये हमारा मीटर में आप देख सकते हैं इसकी वोल्टेज। मीटर में देखिए दोस्तों,
23 के आसपास हमें वोल्टेज शो हो रहा है। तो अभी इसका रिजल्ट चेक करते हैं। इसमें हमने अभी एडेप्टर लगा के चेक करवाया आपको, तो मोबाइल चार्ज हो रहा था, और नीचे जो पैनल में हमारा यूएसबी सिस्टम है उसमें भी हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दोनों लैंप इसमें भी बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। इसमें 4 से 5 लैंप आप इजीली चला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और बैकअप आपको 2 से 3 घंटे का ये दे देगा, तो इमरजेंसी में बहुत अच्छा साथ देने वाला है ये आपको। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसे 12 वोल्ट में ही हम फिक्स कर देंगे। इसमें हमारा जो ये एलईडी टेस्टर है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। इसमें आप लोग 9 से 10 वाट में जो यूज़ होने वाला इक्विपमेंट्स होगा वही आप चलाएं। अगर हैवी लोड आप इसमें देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए 12 वोल्ट का बैटरी में हम इसे फिक्स करेंगे। और चलिए देखिए इसका रिजल्ट, बहुत ही अच्छा दोस्तों वर्क कर रहा है। और आप लोग बैटरी को सोलर प्लेट से भी चार्ज कर सकते हैं, मैं तो वही करता हूँ, सोलर प्लेट में बैटरी को चार्ज करते हैं और 2 से 3 लैंप इसमें इजीली ग्लो कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा सोलर सिस्टम जिसमें मैं बैटरी चार्ज करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।